अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उबर का पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में बंद होने के बाद उबर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई है, जिसके बाद यही उम्मीद की जा रही है कि उबर दोबारा से अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकती है। तो इस पर भी सर तफसीली बात होगी। इसके अलावा उबर ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसके बाद उबर में काम करने वाले जितने कैप्टन हैं वो 0% कमीशन के साथ काम कर सकेंगे, यानी जितनी कमाई भी होगी वो कैप्टन की होगी, उबर को कोई भी कमीशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये फीचर कब आएगा, कैसे काम करता है, इस फीचर के मुतल्लिक आपको तमाम मालूमात मिलेगी। तो आपसे दरख्वास्त है कि सर वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, आपकी मेहरबानी होगी। अगर आप मुनासिब समझते हैं सर, चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका इतना करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अपने भाइयों के लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं। तो सर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सर जैसा आप जानते हैं कि उबर पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों के अंदर बंद हो चुकी है, फिलहाल लाहौर में चल रही है। इसके बाद उबर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है कि जी हमारे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि मुल्क की हालात कुछ इस तरह के हो चुके हैं, हमारे कैप्टन हैं उनकी कमाई नहीं हो रही थी और हमारे जो मुलाजमीन हैं उनके लिए मुश्किल थी, ये हमें मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पर इन शहरों के अंदर अपनी सर्विस ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे ही मुल्की हालात बेहतर होंगे, कारोबार में बेहतरी आएगी, तो हम दोबारा पाकिस्तान के इन तमाम बड़े शहरों के अंदर अपनी सर्विस का आगाज़ कर देंगे। तो सर ये हम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप कैप्टन के तौर पे काम कर रहे हैं या आप उबर पैसेंजर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी खबर है कि हाँ जी इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हो चुकी है कि उबर के अंदर दोबारा सर्विस लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा सर उबर के अंदर काम करने वाले जितने कैप्टन हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आई है कि उबर ने गो पास के नाम से एक फ़ीचर लॉन्च किया है, जिसके बाद कैप्टन 0% कमीशन के ऊपर काम कर सकेंगे। तो सर अगले चंद दिनों के अंदर यहाँ पर आपके पास गो पास के नाम से एक नया फ़ीचर आएगा। अब ये फ़ीचर काम कैसे करेगा, तो सर इसके अंदर मुख्तलिफ पैकेजेस होंगे, यानी कि आप एक दिन का पैकेज ख़रीदना चाहते हैं, 3 दिन का या 1 हफ़्ते का, उसकी एक फ़िक्स प्राइस होगी 200, 300 या 500। उसके बाद आप पैकेज ख़रीदने के बाद आप जितनी चाहे राइड्स लें, जितनी मर्ज़ी अर्निंग करें, आपको एक फ़िक्स अमाउंट पे करनी होगी उबर को। उसके बाद जितना भी आप काम करेंगे वो तमाम तर अर्निंग कैप्टन की होगी, चाहे आपके पास गाड़ी होगी, रिक्शा होगा, बाइक होगी, किसी भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर अगर आप ये फ़ीचर ख़रीदते हैं तो उसके बाद आप कस्टमर की ड्रॉप ऑफ लोकेशन देख सकते हैं, कस्टमर पेमेंट कैसे करेगा वो भी देख सकते हैं। तो यकीनी तौर पर जब आप ड्रॉप ऑफ लोकेशन देख लेंगे कस्टमर की, उसके बाद आपको आसानी होगी आप कौन सी राइड लेना चाहते हैं या कौन सी नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप ये फ़ीचर नहीं ख़रीदना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी होगी, आप रेगुलर जैसे काम करते हैं उबर की एप्लीकेशन पे उसी तरह आप काम करें और हर राइड पर जितना भी उबर का कमीशन होगा, चाहे 15% या 25%, वो आप पे करते जाएं। तो इसकी मुकम्मल मालूमात आने के बाद एक मैं नई वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूँगा कि कौन सा पैकेज कितने में मिलेगा और इसका आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। और जनाब हम इस पैकेज को ख़रीद कर और इसको इस्तेमाल करने के बाद अपना रिव्यू भी देंगे कि कैप्टन को कितना फ़ायदा हो सकता है, कमाई पर कितना फ़र्क पड़ सकता है। तो उबर की इंतज़ामिया को भी चाहिए कि ऐसे मज़ीद फ़ीचर लेके आएँ, कैप्टन के लिए अच्छे हों, इसके अलावा कस्टमर को मुख्तलिफ छोटे छोटे डिस्काउंट्स दें ताकि कस्टमर भी उबर के अंदर शिफ्ट हों और उबर दोबारा अपने उस मुकाम पर पहुँचे जिस मुकाम पर उबर थी। तो उम्मीद है सर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर सर आप मुनासिब समझते हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।